गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस सेशन इज फॉर क्लास 12th एंड वी आर कॉन्टिन्यूसली स्टडिंग चैप्टर 7 दैट इज अल्टरनेटिंग करेंट. स्टूडेंट्स, यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक दैट इज LCR सर्किट एंड इट्स फेजर डायग्राम. टुडे आवर टॉपिक इज एनालिटिक ट्रीटमेंट ऑफ RLC सीरीज सर्किट, आर यू कैन से LCR सर्किट. ओके, सो यू कैन सी हियर द टॉपिक इज एनालिटिक ट्रीटमेंट ऑफ RLC. RLC मीन्स रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस. सो एक ऐसी सर्किट की बात कर रहे हैं हम जिस जो कि एक AC सर्किट है और जिसमें सीरीज में एक रजिस्टर, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर कनेक्टेड है. तो एक ऐसी सर्किट को हम लोग सीरीज LCR सर्किट बोल रहे हैं यहाँ पे, और उसके बारे में डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं. तो पहले देख लेते हैं कि एक एजम्पशंस कि हम लोग कौन कौन से चीज़ें ले रहे हैं और उनका कितना कितना वैल्यू है. तो यहाँ पे देख सकते हैं, लेट अ प्योर रेजिस्टेंस कैपिटल R, अ प्योर इंडक्टेंस कैपिटल L एंड एन आइडियल कंडेंसर आर यू कैन से कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C बी कनेक्टेड इन सीरीज टू अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग EMF. सपोज द अल्टरनेटिंग EMF सप्लाइड इज E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा T. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये जो इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर एक AC सोर्स से कनेक्टेड है, जिसका इक्वेशन मीन्स ये सोर्स जो भी EMF प्रोड्यूस कर रहा है उसका इक्वेशन यहाँ पे है इक्वेशन नंबर 1 से, जो है E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा T. यहाँ पे E0 जो है वो EMF की मैक्सिमम वैल्यू है और E जो है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है. ये डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, ये T पे डिपेंडेंट है. ठीक है, इसके बाद एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम T सपोज Q इज इक्वल टू चार्ज ऑन कैपेसिटर. ठीक है, एंड I इज करेंट इन द सर्किट. तो अगर हम लोग इस सर्किट के बारे में स्टडी करेंगे तो क्योंकि सर्किट में एक कैपेसिटर है तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम T पे कैपेसिटर चार्ज होगा, और सपोज करते हैं कि उस पर चार्ज Q है और सर्किट में जो करंट है एट दैट टाइम वो है I. तो यहाँ पे DI/DT जो है ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सर्किट. ठीक है, सर्किट में जो करंट के चेंज होने का रेट है वो है DI/DT, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडेंसर जो है वो है Q/C. ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडेंसर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो Q/C है. ठीक है ना, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस या EMF डेवलप होगा वो होगा LdI/DT. ये आपको पता है, ये फॉर्मूला हमने पहले ही सेल्फ इंडक्शन वाले क्लास में पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर, प्रीवियस चैप्टर में. यहाँ पे जो इंड्यूस्ड EMF डेवलप होगा इंडक्टर में वो होगा LdI/DT. नेगेटिव साइन आपको जो होती है वो डायरेक्शन को प्रेजेंट करती है, लेंजेज लॉ, बट यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस या जिसको बोल सकते हैं इंड्यूस्ड EMF डेवलप होगा इंडक्टर के अक्रॉस वो होगा LdI/DT, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर जो होगा वो होगा Q/C. अब जो इस सर्किट में एक एलिमेंट बचता है वो है रजिस्टर. तो आपको पता है रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा I × R. V इज इक्वल टू I × R. अब देखिए ये जो 3 पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं, क्योंकि ये सारे एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इनका जो सम होना चाहिए वो टोटल EMF जो अप्लाइड है उसके इक्वल होना चाहिए. तो देखते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस इज R × I. V इज इक्वल टू R × I या फिर I × R, ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग है. ठीक है, तो यहाँ पे जो सभी एलिमेंट हैं उनके क्रॉस अगर कंप्लीट अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें एट एनी इंस्टेंट T, तो आप देख सकते हैं
द वोल्टेज इक्वेशन ऑफ द सर्किट इज, तो यहाँ पे ये इक्वेशन लिखेंगे आप किसी इंस्टेंट पे, और वो होगा एल डी आई बाई डी टी, इंडक्टर के क्रॉस है ये, आर आई ये कैपेसिटी, ये रजिस्टर के क्रॉस, और ये कैपेसिटर के क्रॉस, और ये सभी इक्वल होंगे ई के. ई क्या है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, और वो क्योंकि वेरिएबल है तो आप इसको ई की जगह पे लिख सकते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि वो इक्वेशन सॉरी वो पोटेंशियल या फिर वो जो ईएमएफ है वो इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, ये हमने बिगिनिंग में ही चूज़ किया हुआ है. ठीक है, आप यहाँ पे कॉस भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे जनरली हम लोग साइन ही लेते हैं, कॉस भी लेके आप सॉल्व करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो यहाँ पे अब देखते हैं कि इस इक्वेशन को कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, और फिर इसको सॉल्व करेंगे और हमें जो डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी यहाँ से. यहाँ देख सकते हैं आई की वैल्यू को हम लोग डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं, आपको पता है करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी. तो यहाँ पे डी आई बाई डी टी की वैल्यू को आप डी डबल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, अगर आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी है तो यहाँ पर डी टी बाई डी आई बाई डी टी की वैल्यू डबल डिफरेंशिएशन में लिख सकते हैं. सो द वोल्टेज इक्वेशन बिकम्स, तो आपका ये जो इक्वेशन बनेगा, जो ये वोल्टेज वाला इक्वेशन नंबर टू है, ये चेंज हो जाएगा इस फॉर्म का, दैट इज इक्वेशन नंबर थ्री. सो यू विल गेट दिस इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर थ्री, एंड यू कैन सी दिस वन इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन. यहाँ पे देख सकते हैं एल डी टू क्यू बाई डी टी टू प्लस आर डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया इस सर्किट के लिए. अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंट पे चार्ज या फिर जो भी वैल्यूज है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको सॉल्व कर सकते हैं. अब देखिए ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन एक्चुअल में फोर्स ऑसिलेटर का है. ठीक है, तो इस इक्वेशन का जो ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर थ्री, इक्वेशन नंबर थ्री जो है इसका सोल्यूशन आपको यहाँ पे डायरेक्ट याद करना होगा, या फिर हम लोग सपोज कर लेते हैं कि इसका सोल्यूशन एक्चुअल में इस टाइप का होता है, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा टाइप का होता है. इसको इसी इक्वेशन में रख के चेक कर लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन जो है वो क्यू इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा टाइप का है. तो डी क्यू बाई डी टी कितना आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं इस इक्वेशन को, सपोज ये इक्वेशन नंबर ए है, स्मॉल ए. ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा. ये वाला स्टेप आपको साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का डिफ्रेंशिएशन पता है, कि साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा. ठीक है, तो ये आपको डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू मिल गई. अब इस इक्वेशन को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है. ध्यान से देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, हमारा टारगेट है ये इक्वेशन नंबर थ्री को सॉल्व करना. ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि इस इक्वेशन थ्री का ये सोल्यूशन है. अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सोल्यूशन को इस इक्वेशन में रखेंगे, इसकी हेल्प से, ये जो इक्वेशन ए इसकी हेल्प से डिफरेंट वैल्यूज को इस इक्वेशन में रखेंगे और इसको सेटिस्फाई कराएंगे. तो चेक करते हैं कि क्या होता है यहाँ पे. तो देखिए यहाँ पे क्यू की वैल्यू है, यहाँ से आपने डी क्यू बाई डी टी कैलकुलेट कर लिया. अब हमने इस डी क्यू बाई डी टी की हेल्प से डी टी डी टू क्यू बाई डी टी टू सॉल्व कर लिया, क्योंकि आपको पता है कि इस इक्वेशन जैट इज कॉस ओमेगा टी का अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा. तो यहाँ पे ये टोटल हो जाएगा डी टू क्यू बाई डी टी टू इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा हो जाएगा. ठीक है, तो अब इन सारी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर थ्री में यूज़ कर देंगे और हमको मिलेगा इक्वेशन नंबर, ये मिल जाएगा. तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर थ्री वी विल गेट दिस पार्ट, हमको ये मिलेगा. ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे.
यहाँ पे देखिए क्या है, एल इन ब्रैकेट माइनस क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस आर इंटू डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू दैट इज क्यू नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा देन क्यू बाई सी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये क्यू की वैल्यू और इसका राइट हैंड साइड ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ से जो कॉमन फैक्टर है उसको कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमने यहाँ से क्यू नॉट ओमेगा कॉमन किया, तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से क्यू नॉट ओमेगा को कॉमन किया गया है, तो यहाँ पे इस सेकेंड जो पार्ट है इसको फर्स्ट पार्ट लिखा गया है। इसके बाद इसमें क्योंकि नेगेटिव साइन है इसको सेकेंड पार्ट में लाया गया है, या फिर आप बोल सकते हैं सेकेंड टर्म लिखा गया है इसको। और लास्ट टर्म क्योंकि इस लास्ट टर्म में ओमेगा नहीं है, यहाँ पे ओमेगा कॉमन लिया गया है, तो यहाँ पे वन बाई ओमेगा सी यहाँ पे आ रहा है और इधर उतना ही ई नॉट साइन ओमेगा टी। बट वी नो दैट, हमें क्या पता है, हमें पता है एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है, यहाँ पे ये ओमेगा इंटू एल होना चाहिए। यहाँ पे आप थोड़ा सा चेक करेंगे, एक्चुअल में एक्सएल इज इक्वल टू होता है ये एल सबस्क्रिप्ट है, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल है, तो ये ओमेगा इंटू एल और एक्स सी की वैल्यू वन बाई ओमेगा सी। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर फोर यहाँ पे यूज़ किया हमने क्यू नॉट ओमेगा आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब आपको एक बात समझ में आई यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्स सी कैसे आ गया, तो यहाँ पे देखते हैं ऊपर वाली लाइन में थोड़ा सा यहाँ पे यहाँ ध्यान से देखें तो इस दोनों टर्म में यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस थीटा कॉमन है और जैसे इसको कॉमन करेंगे तो आएगा वन बाई ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल। तो वन बाई ओमेगा सी मीन्स ये वाला टर्म है एक्स सी और ये जो टर्म है ये एक्स एल है, तो यहाँ पे आप इसको इस फॉर्म का लिख सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म का लिख सकते हैं। अब क्या करने जा रहे हैं, अब इसको मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाई जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर वी गेट। तो हम लोग इस पार्ट से जो ये जेड है इसी से इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा क्यू नॉट ओमेगा जेड, क्योंकि जेड से मल्टीप्लाई कर दिया है तो यहाँ पे डिवाइड भी करेंगे, आर बाई जेड कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन जेड साइन ओमेगा टी प्लस थीटा और इधर ई नॉट साइन ओमेगा टी। बट आपको पता है आर बाई जेड की वैल्यू कॉस फाई की इक्वल होती है एलसीआर सर्किट के लिए, और यहाँ पे जो एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन जेड है ये साइन फाई के इक्वल है, और एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन आर ये टेन फाई के इक्वल है। ये सारी चीज़ें आपको पहले ही बता दिया गया है ये फेजर डायग्राम की हेल्प से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर जो फोर है यहाँ पे इस इक्वेशन में हमें रिक्वायर्ड है आर बाई जेड एक्सएल माइनस एक्स सी बाई जेड की वैल्यूज हमको यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे आर बाई जेड देख सकते हैं और एक्स सी माइनस एक्सएल बाई जेड भी यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन आर भी है, तो जिनकी रिक्वायरमेंट है उनको यहाँ पे यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर फोर में इन दोनों वैल्यूज़ को। ठीक है, तो यूज़ करने के बाद हमको क्या मिलेगा, यहाँ देखिए ये मिला क्यू नॉट ओमेगा जेड इन ब्रैकेट कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा इंटू कॉस फाई प्लस साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इंटू साइन फाई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। स्टूडेंट थोड़ी सी मैथमेटिक्स है यहाँ पे, बट इंटरेस्टिंग भी है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन मिल गया है इक्वेशन नंबर सेवन। ठीक है,
आप क्यू नॉट ओमेगा जेड कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी को आप इस साइन ओमेगा को यहाँ पे कॉस के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू से। तो ये इक्वेशन नंबर 7 हो गया। अब कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग टू साइड्स ऑफ दीज इक्वेशंस, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ही साइड ये कॉस के फॉर्म में इक्वेशन है और यहाँ पे ओमेगा टी भी है। माइनस पाई बाई टू की जगह पे यहाँ पे फाइव माइनस थीटा है, ठीक है। तो और ई नॉट की जगह पे आपको क्यू नॉट ओमेगा जेड है। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो हमको मिल रहा है ई नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा इंटू जेड, ठीक है। या फिर इसको आई नॉट जेड भी बोल सकते हैं क्योंकि क्यू नॉट ओमेगा आई नॉट की वैल्यू है, ठीक है। और जो हमारा फेज एंगल है उसकी अगर हम बात करें तो ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है। तो यहाँ पे थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू आएगा, ये देखिए ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है ये है माइनस पाई बाई टू प्लस फाइव, इक्वेशन नंबर 9। सो करेंट इन द सर्किट इज, तो इस सर्किट में करेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए आपको सिंपल सी बात पता है, जब भी आपको करंट फाइंड आउट करना होता है तो आप चार्ज को डिफरेंशिएट कर देते हैं या फिर आप डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं। तो चार्ज को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आप लिखेंगे आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अब क्यू की वैल्यू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा है तो उसको यहाँ पे यूज़ किया गया है। आफ्टर डिफरेंशिएशन यू विल गेट क्यू नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। यहाँ पे देखिए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा जो है उसका डिफरेंशिएशन है ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, ये उसका डिफरेंशिएशन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे क्यू नॉट ओमेगा जो है यहाँ पे ये, अगर ये कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा 1 हो जाए तो हमारा क्यू नॉट इंटू ओमेगा जो है वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो इस क्यू नॉट इंटू ओमेगा को हम आई नॉट लिखते हैं मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, इक्वेशन नंबर 8 हो गया। नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 9, तो इक्वेशन नंबर 9 को आप यूज़ कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 9 यहाँ पे है, देखिए ये है इक्वेशन नंबर 9। थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइव माइनस पाई बाई टू लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर आप थीटा की वैल्यू यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस पाई बाई टू, ठीक है। और इसको अगर आप चेंज करेंगे यहाँ पे पाई बाई टू है तो ये मिलेगा आपको आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस, सॉरी आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि आपको पता है कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा वाले फार्मूले से एंड कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा जो फार्मूला है उसकी हेल्प से यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास है फेज का फार्मूला जो कि फाइव की वैल्यू के बारे में। तो आपको पता है कि टेन फाइव की वैल्यू होती है एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर, ये वैल्यू कहाँ से आई, ये फेजर डायग्राम से वैल्यू है टेन फाइव इज इक्वल टू, जिसको फाइव को टेन इनवर्स के फॉर्म में लिखा गया है यहाँ पे। तो ये है फेजर डायग्राम से, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप ये आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू वन, ये आइडेंटिटी सभी को पता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो आपको पता है कि कॉस की जो वैल्यू है कॉस फाई की वो है आर बाई जेड, यहाँ पे ये कॉस फाई की वैल्यू आर बाई जेड तो उसका स्क्वायर किया गया। साइन फाई की जो वैल्यू है वो है एक्स सी माइनस एक्स एल बाई जेड तो उसका भी स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, और ये वन के इक्वल होना चाहिए। दोनों का एलसीएम सेम है इसलिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे ये एक्चुअल में आर स्क्वायर है, यहाँ पे ये गलती से आ गया है। तो ये आर स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट एक्स सी माइनस एक्स एल होल स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों का एलसीएम जेड स्क्वायर है, ठीक है। और फाइनली यहाँ से आपको मिलेगा जेड की वैल्यू जो कि है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल होल स्क्वायर। तो ये है इस सर्किट का नेट इम्पिडेंस
एलसीआर सर्किट का, जिसकी वैल्यू है जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट एक्स सी माइनस एक्स एल होल स्क्वायर। वैसे अगर एक्स सी की वैल्यू ग्रेटर हो तो ये फार्मूला सही है, बट कई बार एक्स एल की वैल्यू ग्रेटर होती है तो फार्मूला एक्स एल माइनस एक्स सी भी होल स्क्वायर भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है इस फार्मूले में ये जो पार्ट है ये स्क्वायर है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, आप किसी को भी ग्रेटर या लेस लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पार्ट ऑलवेज पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आप एक्स एल माइनस एक्स सी लिखें या फिर एक्स सी माइनस एक्स एल लिखें, कोई बहुत इफेक्ट नहीं करता है। तो ये डिपेंड करता है उस कंडीशन पे जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। ओके, तो आई होप कि आपको एनालिटिक ट्रीटमेंट ऑफ एलसीआर सर्किट समझ में आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, इसलिए इसको ज़रूर रिवाइज करें। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। तो अब हम लोग एक ऐसी एसी सर्किट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसमें एक रेजिस्टेंस यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल आर और एक इंडक्टेंस कैपिटल एल कनेक्टेड है एक एसी सोर्स के साथ। तो यहाँ पे एक एसी सोर्स है जिसकी हेल्प से सॉरी जिसमें ये एक एसी सोर्स है और यहाँ पे एक एसी सर्किट में एक रेजिस्टर आर और एक इंडक्टर एल कनेक्ट किया गया है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। अब क्या होगा जब, क्योंकि ये दोनों सीरीज में हैं तो इन दोनों में जो करंट होगी वो सेम होगी, तो आप इन दोनों में सेम करंट फ्लो होगी आई सपोज कर लेते हैं। अब इनके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट डेवलप होंगे उनके फेज डिफरेंट हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं। तो हमें लगता है कि आपको याद है, अगर आप रिकॉल करें, चलिए हम केसेस बताते हैं। इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज, आई होप कि आपको आंसर पता होगा, यस दैट इज़ ज़ीरो। ठीक है, अगर आप प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करें तो द फेज डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज एंड करंट इन प्योर इंडक्टिव सर्किट इज कितना, यस दैट इज़ 90 डिग्री। बट 90 डिग्री तो फेज डिफरेंस है यहाँ पे इंडक्टर में, बट कौन लीडिंग है कौन लैगिंग है ये भी हमको पता होना चाहिए। तो आई होप कि आपको याद ही होगा, जब किसी कोई प्योर इंडक्टिव सर्किट होती है तो उसमें जो वोल्टेज है वो लीडिंग होता है, और कितना लीडिंग होता है बाई पाई बाई टू, और जो आपका करंट है वो लैगिंग है सेम फेज से। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट को दो फॉर्म में लिख सकते हैं, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट करंट इज लैगिंग बिहाइंड टू वोल्टेज बाई पाई बाई टू, ये एक फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। या फिर आप दूसरे वर्ड में लिख सकते हैं, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट वोल्टेज इज लीडिंग बाई पाई बाई टू टू द करंट। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, इनमें से कोई भी एक आप याद रखेंगे। कोशिश करिए कि आप अपने स्टेटमेंट को वोल्टेज के फॉर्म में ऑलवेज लिखें। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट वोल्टेज एंड करेंट आर इन सेम फेज। इंडक्टर के लिए अगर लिखेंगे तो इन प्योर इंडक्टिव सर्किट वोल्टेज इज लीडिंग टू करेंट बाई पाई बाई टू। अगर आप प्योर कैपेसिटिव के लिए लिख रहे हैं तो आप बोलेंगे इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट वोल्टेज इज लैगिंग बाई पाई बाई टू टू द करेंट। तो ये देखिए एक थ्री स्टेटमेंट से जो कि सिमिलर है, हर बार हमने वोल्टेज को लेके अपना आंसर लिखा है। फर्स्ट केस में जो कि रजिस्टर वाली केस है वोल्टेज एंड करेंट सेम फेज में है, सेकेंड केस जो कि इंडक्टर वाली केस है उसमें वोल्टेज लीडिंग है और करेंट क्या है लैगिंग है। तो हम लोग लीडिंग वाली कंडीशन लिखेंगे क्योंकि हम वोल्टेज के बारे में लिख रहे हैं, और थर्ड में भी हम लोग वोल्टेज के बारे में लिख रहे हैं तो हम लोग वहाँ पे कैपेसिटर वाली केस में हम लोग वोल्टेज को लैगिंग लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस सर्किट को पढ़ने के लिए हमें जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उनके बारे में देख लेते हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए, लेट अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ई एम एफ बी कनेक्टेड टू एन ओमिक रजिस्टर कैपिटल आर
and a coil of inductance L in series as shown in figure. तो यहाँ पे देख सकते हैं इस figure में जो है एक रजिस्टर और एक इंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड है और उनको कनेक्ट किया गया है एक एसी सोर्स से. ये है एसी सोर्स, ये है इंडक्टर, ये रजिस्टर. यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉस रजिस्टर दोनों सेम फेज में दिख रहे हैं, वोल्टेज और करंट. यहाँ पे देख सकते हैं वोल्टेज लीडिंग है बाय पाई बाय टू करंट से. ठीक है, तो ये फेजर डायग्राम यहाँ पे दिखाया जा रहा है दो डिफरेंट केसेस में, दोनों प्योर रजिस्टर और प्योर इंडक्टर के लिए. अब चलते हैं आगे इस सर्किट के लिए. तो यहाँ पे देख सकते हैं फेजर डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है. ये देखिए, ये है एक्स एक्सिस. ठीक है, एक्स एक्सिस के क्रॉस वोल्टेज, क्रॉस रजिस्टर और करंट यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं. तो करंट यहाँ पे इस फेजर डायग्राम में एक्स एक्सिस पे है और वी आर भी उसी एक्सिस पे, और इस तरीके से दोनों के बीच फेज डिफरेंस जीरो हो जाता है. बट जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है वो वाई एक्सिस पे दिखाया जा रहा है इधर. ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस डायग्राम में दो वोल्टेज दिख रहे हैं आपको, एक अक्रॉस इंडक्टर जो कि वी एल है और वाई एक्सिस पे है, दूसरा अक्रॉस रजिस्टर जो कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और रजिस्टर के अक्रॉस है. तो ये दोनों परपेंडिकुलर टू इच अदर हैं. इट मीन्स जो सर्किट पे इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज होगा वो इन दोनों के नेट के इक्वल होगा, जिसको हम लोग वेक्टर्स लॉ से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोग वेक्टर्स लॉ यूज़ करने जा रहे हैं. तो देखिए यहाँ पे हम लोग पैरेललोग्राम बना रहे हैं. यहाँ पे ओ एल के ए एक पैरेललोग्राम है. अब इस पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट यहाँ पे ओ के, ओ और के इसका रिजल्टेंट है, और ओ के जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल फॉर्म कर रहा है जिसको बोल रहे हैं फाई. तो यहाँ पे ये जो फाई है ये हो गया फेज डिफरेंस. देखिए स्टूडेंट्स, फेज डिफरेंस ऑलवेज हम लोग करंट और नेट वोल्टेज के बीच निकालते हैं. ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे. यहाँ पे फेज डिफरेंस आपको जीरो भी दिखाई दे रहा होगा, 90 डिग्री दिखाई दे रहा है. अगर आप रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो कि वी आर है और करेंट के बीच देखेंगे तो जीरो मिलेगा. अगर आप इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज और करंट जो एक्स एक्सिस पे है, मतलब जो सर्किट में है, उसके बीच देखेंगे तो 90 मिलेगा. बट जो हम किसी कंबाइंड सर्किट के लिए देखते हैं तो हमारा जो फेज डिफरेंस होता है वो नेट वोल्टेज और करंट के बीच निकालते हैं. तो यहाँ पर नेट वोल्टेज जो है वो वेक्टर ओ के से रिप्रेजेंटेड है. तो यहाँ पर जो नेट फेज है वो फाई, उसको टेन थीटा टेन फाई की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो टेन फाई की वैल्यू अगर आप देखें इन ट्रायंगल ओ ए के को अगर ध्यान से देखें तो आपको टेन फाई जो मिलेगा वो होगा ए के अपॉन ओ ए, और ए के की वैल्यू आपको वी एल के इक्वल और ओ के की वैल्यू आपको वी आर के इक्वल मिल जाएगी. और इस तरीके से आप आसानी से यहाँ से टेन फाई जो कि फेज डिफरेंस है बिटवीन द रिजल्टेंट वोल्टेज एंड द करंट ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फेजर डायग्राम है और यहाँ ही से आप इस सर्किट के लिए इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू वेक्टर ओ के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी. तो आप अगर चाहें तो डायरेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए के में पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं और आप यहाँ से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सपोज कर लेते हैं कि जो ओ के है उसकी वैल्यू वी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ओ एल की वैल्यू ए के इक्वल होगी और वो वी एल होगी, और ओ ए की वैल्यू एल के इक्वल होगी और वो वी आर होगी. तो यहाँ पे जो ओ के है वो होगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर. ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और इसकी हेल्प से आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं रिजल्टेंट वोल्टेज. ये देखिए, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर. अब देखिए वी आर की वैल्यू जो होगी वो होगी आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर. ठीक है, आई स्क्वायर को यहाँ से हम कॉमन करेंगे और इसमें डिवाइड कर देंगे. ठीक है, यहाँ पे आई स्क्वायर को हम लोग
डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे ये आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से भी ये आई स्क्वायर हो जाएगा हमारा कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए हमारे पास बचेगा वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। और ये जो इस सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है इसको हम लोग जेड स्क्वायर लिखते हैं। तो अब जो आगे हमको मिलने वाला है वो है जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये इस सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। ठीक है, नाउ वी फाइंड इन आर एल सर्किट वोल्टेज लीड्स द करेंट बाई ए फेज फाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं आर एल सर्किट में जो वोल्टेज है, इफेक्टिव जो वोल्टेज है वो करेंट से कुछ फाई एंगल लीड करता है और इसकी जो वैल्यू होती है वो टेन फाई की हेल्प से आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेन फाई उस फेजर डायग्राम की हेल्प से जो कि पहले ही आपको डिस्कस किया जा चुका है वो आएगा ए के अपॉन ओ ए इज इक्वल टू ओ एल अपॉन ओ ए इज इक्वल टू वी एल अपॉन वी आर। और वी एल की वैल्यू आई एक्सएल होती है और वी आर की वैल्यू आई नॉट आर होती है। आपको पता है यहाँ पे आप एक्सएल की जगह पे ओमेगा एल भी लिख सकते हैं। तो ये है एल आर या फिर आर एल सर्किट, ए सी सर्किट। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक्स हैं और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे यहाँ पे टेन फाई आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे इफेक्टिव इम्पिडेंस यहाँ पे देख सकते हैं, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस है इस सर्किट के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको ये आर एल सर्किट और एल सी आर सर्किट यहाँ पे समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, मीन आरसी सर्किट के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस गिवन इन योर बुक रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स, ओके, एंड इन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन पेपर्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।